हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू पूनम चौबे ब्लॉग। आई होप आप सब अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूँ। कमेंट में ज़रूर बताना कि आप सब कैसे हो, सर्दियाँ आपकी कैसे बीत रही हैं। तो आज मैं बनाने जा रही हूँ गोभी का डुबका। गोभी की सब्ज़ी आपने खाई होगी और बहुत से तरीक़ों से बनाया होगा। एक तरीका ये भी आप बनाइए और खाइए, देखिए कैसा लगता है। मैंने आज बनाया और बहुत ही टेस्टी लगता है इस तरह की सब्ज़ी। गोभी के पराठे भी बनते हैं, मैं बताऊंगी आपको गोभी के पराठे भी बनाना। बट आइए हम बताते हैं आपको गोभी का डुबका बनाना। तो ये हमने ले लिया था गोभी, हमारा एक फूल, हमने इसको पहले ही धुल लिया था, थोड़ा पानी इसका सुखा लिया था। तो हम छोटे छोटे टुकड़े करके इसके ग्रेट कर लेंगे। ये हमने ग्रेट कर लिया है, अभी ग्रेट कर लेना गाइस। उसके बाद हमने एक कढ़ाई को गैस पर रखा, गैस ऑन किया। अब इसमें हम थोड़ा सा 2 चम्मच के लगभग तेल डाल देंगे और उसके बाद ये हमारा तेल गरम हो गया। हम इसमें कुछ मसाले डालेंगे, आधा चम्मच जीरा, आधा चम्मच सौंफ। सौंफ ज़रूर डालना गाइस, सौंफ से टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। और 2 लौंग और 1 इलायची, बस इससे ज़्यादा मत डालिएगा अगर थोड़ा भी बनाना होगा तो। फिर उसके बाद हमने ये जो गोभी ग्रेट कर रखा था इसको हमने इसमें डाल दिया है। अब थोड़ी देर चलाएँगे, इसमें हम कुछ मसाले डालेंगे। हल्दी डाल दिया हमने, हल्दी पाउडर, लाल मिर्च पाउडर और थोड़ा नमक डाल दिया हमने, आधे चम्मच नमक टेस्ट के अकॉर्डिंग जितना है। उसके बाद चलाएंगे, थोड़ा मिक्स करेंगे। आप इस तरह बनाना और कमेंट में मुझे ज़रूर बताना कि आपने बनाया या नहीं बनाया और कैसा लगा। उसके बाद हमने इसमें डाल दिया है 1 चम्मच के लगभग धनिया पाउडर, कोरिएंडर पाउडर और ये अमचूर पाउडर है, आम का अमचूर है। अगर आम का अमचूर नहीं है तो आप नींबू का रस डाल दीजिएगा। और ये है कसूरी मेथी, कसूरी मेथी ज़रूर डाल दीजिएगा, इससे इसका टेस्ट और भी बढ़ जाता है। कसूरी मेथी डाल के थोड़ी देर के लिए फ्लेम जो है हम बिल्कुल लो कर देंगे और इसको ढक के 10 मिनट के लिए पकाएंगे उसको धीमी आंच पे। तब से आइए हम आटे का डो लगा लेते हैं। ये हमारी 1 कटोरी चावल का आटा है और जिसमें 1 चम्मच हमने बेसन डाल दिया है। ये चावल का आटा है, चावल के आटे में ही बनता है। और थोड़ा सा हमने अजवाइन इसको क्रश करके डाल दिया और 1/2 चम्मच नमक। उसके बाद हम इसका डो लगाएंगे, बिल्कुल थोड़ा थोड़ा पानी डालेंगे, जैसे हम आटे का डो लगाते हैं रोटी बनाने के लिए, उसी तरह हमें इसका डो लगा लिया है। और इसको थोड़ी देर के लिए अब हम ढक देंगे ताकि ये फुलता रहे। अभी देखते हैं, हमारी गोभी हो गई है तब से, ये देखिए हमारे 10 मिनट हो गई है, हमारी गोभी हो चुकी है। इसको हमने अच्छे से चला लिया है। अब इसको हम देखिए, हमने एक प्लेट में गैस को ऑफ कर देंगे, एक प्लेट में निकाल लेंगे ताकि ये ठंडा हो जाए। अभी ये बहुत गर्म है, ये हमने इसको निकाल लिया है। थोड़ी सी अब हम इसमें धनिया की पत्ती डाल देंगे, फैला लेंगे। और फ्रेंड्स बनाना ज़रूर आप लोग, आप बनाते नहीं हो बट बनाना और इस तरह से भी खाना, देखना सबको पसंद आएगी चावल के साथ, रोटी के साथ। उसके बाद हम देखते हैं ये हमारा आटा हो गया है। तो हम छोटी छोटी लोइयां बनाएंगे, ज़्यादा बड़ी नहीं, छोटी छोटी लोइयां बनाएंगे। और उसके बाद जो ये हमारा फिलिंग है, गोभी की फिलिंग है, इसको हम इसमें फिल करेंगे। ये देखिए छोटी छोटी लोइयां बना के हम, हमारा ठंडा हो गया है, ठंडा करके ही भरना गाइस, वरना गरम गरम फट जाएगी। ये देखिए चावल का आटा है, इसलिए बहुत ही हल्के हाथ से, नरम हाथ से इसको इसमें फिल करना है। आप कोई भी आकार दे सकते हैं, आप गोला बना सकते हैं, गुजिया की तरह बना सकते हैं, जैसे चाहें आप वैसे आकार दे सकते हैं इसका। इसको हमने फिल कर लिया है, ये देखिए अब सारी फिलिंग हम इसमें भर देंगे अच्छे से, छोटी छोटी लोइयां बना के। एक इस तरह भी आप बना सकते हैं, जैसे फरा बनता है उस तरह भी आप इसको बना सकते हैं गाइस। देखिए बना लिए हैं हमने, ऐसे हम करके सारे ही बना लेंगे, जितने हमारे आटे हैं हम सारे ही आटे बना लेंगे इसमें। ये हमने सारा ही बना लिया है। अब आइए हम आगे का दिखाते हैं आपको। हमने कढ़ाई लिया है, गैस पे रख दिया, गैस ऑन किया। अब इसमें हम 2 चम्मच तेल डाल देंगे, थोड़ा तेल जैसे सब्जी में पड़ता है। और उसके बाद इसमें थोड़ा सा जीरा डाल देंगे और थोड़ी सी मेथी डाल देंगे, मेथी दाना ज़रूर डालेंगे। 3-4 हरी मिर्ची डाल दिया हमने। अब हमने एक बड़ी प्याज कट कर रखी थी, अब इसके हमको मसाले तैयार करना है। तो हमने प्याज कट रही, और ये है अदरक और लहसुन का दरदरा हमने कूट लिया था। पेस्ट मत बनाना फ्रेंड, इसको दरदरा कूट लेना, हमने इससे टेस्ट इसका बहुत ही अच्छा आता है। और ये है टमाटर की प्यूरी, जब हमारा प्याज हो जाए थोड़ा, ज़्यादा ब्राउन नहीं करना है, तो उसके बाद टमाटर की प्यूरी हमने इसमें डाल दिया है। टमाटर पीस के अलग रखा था। इसमें थोड़ा सा हम 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर डाल देंगे, कुछ मसाले जो भी डालेंगे, नमक डाल देंगे, नमक थोड़ा कम ही डालेंगे फ्रेंड्स, क्योंकि गोभी में भी नमक है और हमारे आटे में भी नमक है। हमने थोड़ा सा धनिया पाउडर, गरम मसाले,
हमने चिल्ली पाउडर नहीं डाला है क्योंकि मेरे घर में बच्चे हैं तो ज़्यादा तीखा नहीं पसंद करते, और मैंने मिर्ची जो डाली थी वो भी तीखा है और गोभी में भी मिर्ची है, इसलिए हमने मिर्ची नहीं डाली। आपको डालने तो आप रेड चिल्ली डाल लेना, आप एक ये जाली ले लेना और जाली के सहारे इसको रख देना फ्रेंड्स। और ये जो हमने बना रखे हैं आटे से लोई, जो फिल बना रखे हैं, इसको हम इसी पे रख देंगे, और जो फ्लेम जो है बिल्कुल लो फ्लेम करके, और जब तक हमारे मसाले भुनेंगे, जब तक हमारे टमाटर पकेंगे, तब तक ये भी हमारे अच्छे से स्टीम हो जाएंगे। इसको स्टीम करना, अगर आप चाहो तो आप अलग से भी स्टीम कर सकते हो, बट समय और गैस की भी बचत होती है, समय की भी बचत होती है, इसी में स्टीम हो जाएंगे, अलग से करने में समय बहुत लगता है। तो हमने ये देखिए ये थोड़ा सा हो गया है हमारा, अब इसको हम हटाएंगे। देखिए हमारे टमाटर भी पक चुके हैं, ये हमारा टमाटर देखिए पक गया है 10 मिनट में अच्छी तरह से, टमाटर को भून लिया था हमने। ये अब इसमें हम डाल देंगे पानी, और पानी हम इतना डालेंगे जितना हमको आवश्यकता हो, जितना आपको ज़रूरत पड़े। आप उतना पानी, आपको बहुत पतला करना है, चावल के साथ खाना है तो आप बहुत पानी डाल देना, नहीं खाना है आपको तो थोड़ा सा कम पानी डालना, आप अपने अकॉर्डिंग पानी डाल लेना। अब फ्लेम को हम मीडियम कर देंगे, और जो हमने ये फर बनाया था हमारा डुबका, इसको हम फिर से जाली पे ही रख के इसको उबलने तक के लिए, जब तक हमारा पानी उबल रहा है तब तक ये और अच्छे से पक जाएगा। और जो फ्लेम है मीडियम कर दिया, देखिए 10 मिनट के बाद हम देखें, ये देखिए हमारे डुबका की कलर भी चेंज हो गया है और अच्छे से स्टीम हो गया है ये, और ये हमारा पानी भी अच्छे तरह से उबल रहा है। अब हम क्या करेंगे गाइस कि ये जो हम हमारा डुबका है, हम एक एक करके, गरम है अभी तो आप हाथ से नहीं छूना, ये देखिए दबा रहे हैं तो बिल्कुल अच्छी तरह से हो गया है। अब हम एक एक करके सारे डुबका इसमें डाल देंगे, ये देखिए हमने डाल दिया है। अब इसको हम ढक देंगे और 10 से 15 मिनट के लिए हम इसको अच्छे से पकाएंगे। 10-15 मिनट के बाद हम देखें, ये देखिए हमारा इस तरह का कुछ दिख रहा है डुबका, हमारा इस तरह हो गया है कलर। फ्रेंड्स बताना कि आपको ये गोभी की रेसिपी कैसी लगी, और इसको रोटी के साथ, चावल के साथ खाना सर्दियों में बहुत ही टेस्टी बनेगा, बहुत ही अच्छा लगेगा। हम सर्व करके दिखाते हैं आपको, ये देखिए, और कट करके दिखाएंगे। देखिए हमारा कितना अच्छा फूल भी गया है और टेस्टी बना है। फ्रेंड्स कमेंट्स में लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर देना गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग, और बताना आपकी आप ये वीडियो मेरी कैसी लगी। थैंक यू।